आज मैं करने वाला हूँ राक्षस लुक चैलेंज। तो राक्षस बनने के लिए मुझे क्या पहनना चाहिए, ये काले कपड़े या ये सफेद कपड़े? सफेद कपड़े तो देवताएं पहनते और दानव तो काले कपड़े पहनते, इसीलिए मैं ये काले कपड़े पहनूंगा। दानव वाला मेकअप करना है या जोकर वाला मेकअप करना है? असुरों को सर्कस में जाकर डांस नहीं करना, उन्हें तो लोगों पर अत्याचार करना है, उन पर हुकूमत जमानी है, इसीलिए मैं दानव वाला मेकअप करूंगा। गहने पहनना है या फूल पहनना है? असुरों को फूलों से सख्त नफरत है, लेकिन गहने के वो बहुत शौकीन होते, इसलिए मैं गहने पहनूंगा। माथे पर सींग पहनना है या शिकार करने जाना है? असुर कभी भी शिकार करने नहीं जाते, बल्कि शिकार तो खुद चलकर उनके पास आते, लेकिन असुरों के सींग होते हैं, इसीलिए मैं सींग पहनूंगा। मैं हूँ असुर, मैं आया हूँ इस ब्रह्मांड को तबाह करने के लिए, कोई भी मुझसे नहीं बच सकता। हाथों में हसिया लेना है या मांस खाना है? निर्दोष प्राणियों का मांस खाने में मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत स्वाद आता है, लेकिन उनकी हत्या करने के लिए मुझे हथियार की जरूरत तो पड़ेगी ना, इसलिए मैं ये हसिया लूंगा और मांस भी खाऊंगा। सामने आओ कायरों, आ चुका हूँ मैं तुम्हारा हत्या करने के लिए। मेरे हाथों में हसिया है, इसकी मदद से मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। क्यों छिप कर बैठे हो? अगर हिम्मत है तो सामने आओ, सामने आओ कायरों, सामने आओ निर्दोष प्राणियों, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मुझे तुम्हारा मांस खाना है, कोई भी मुझसे नहीं बच सकता। असुर हूँ मैं, असुर। खून पीना है या फल खाना है? कौन खाता है ये फल? फल तो देवताएं खाते हैं, इसीलिए तो उनके अंदर हिम्मत नहीं होती। हम जैसे असुरों के अंदर इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति होती है कि कोई भी हमसे नहीं बच सकता, और ये हिम्मत हमें आती है खून पीकर। बहुत स्वादिष्ट होती है खून, इसीलिए मैं खून पीऊंगा। कितना स्वादिष्ट है इंसानों का खून। बेचारे अपने जान की भीख मांग रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, लेकिन मैं भी उन्हें कहां आसानी से छोड़ने वाला था। मैंने तो उनका सिर ही धड़ से अलग कर दिया। बड़ा मजा आया मुझे ये करने में, इतना आनंद मुझे अपने शादी के दिन भी नहीं हुई थी, जितना आनंद मुझे इंसानों का सिर धड़ से अलग करने में आता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना, और कमेंट में जरूर बताना क्या तुम मेरा शिकार बनना चाहते हो।